ऑल राइट माई फेलो बाइकर्स, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, जो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके पास एक अच्छा कैमरा वाला मोबाइल फ़ोन है, हो सकता है वो आईफोन हो या फिर उनके पास गैलेक्सी का कोई अच्छा टॉप नॉच मॉडल जिसका कैमरा काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग करता है। तो अब वो थोड़े कन्फ्यूजन में है कि क्या वो उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं अपनी मोटो व्लॉगिंग के लिए या उनको एक नए एक्शन कैमरा के लिए जाना चाहिए। तो इसी चीज़ के ऊपर ये वीडियो होने वाली है, जो कि तुम्हारी सारी डाउट्स क्लियर कर देगी, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ कि अगर तुम एक मोबाइल से मोटो व्लॉग कर रहे हो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, और अगर तुम एक एक्शन कैमरा को यूज़ करके मोटो व्लॉग कर रहे हो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ तब उस केस में क्या क्या मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो अपने मोबाइल को यूज़ करके भी अच्छे खासे मोटो व्लॉग्स बना लेते हैं, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक्शन कैमरा की नीड असल में मोटो व्लॉगिंग के लिए पड़ती भी है या नहीं, और पड़ती है तो क्यों पड़ती है, उसमें क्या ऐसा अलग चीज़ है। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं दोनों ही केसेस में उनको मैं मेंशन करता जाऊंगा स्क्रीन पे, ताकि वीडियो के एंड तक तुम्हें डिसीजन बना सको कि तुम्हें मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग करनी है या तुम्हें एक्शन कैमरे के लिए जाना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरे पास भी एक्शन कैमरा नहीं था तो मैंने भी अपने मोबाइल से ही मोटो व्लॉगिंग करी थी, जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो थी, तुम जाके उनको देख सकते हो, बल्कि मैं उनको अपने इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा तो तुम उसको भी देख सकते हो किस तरह की क्वालिटी एक वीडियो के मोटो व्लॉग में आती है। और बाकी तुम कंपेयर करके देख सकते हो कि मेरी आजकल की जो रिसेंट वीडियोज़ हैं उसमें किस तरह का तुम्हें पीओवी देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें उसमें तुम्हें देखने को प्लस में ऐड होती हैं, या फिर क्या चीज़ें अपने फ़ोन से ब्लॉग करने में तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है, वो सब चीज़ें तुम दोनों कंपेयर करके देख सकते हो। आगे और डील नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना कंपेरिजन। तो गाइस, ये फुटेज रिकॉर्ड हुई है मेरे आईफोन से, और पहली चीज़ जो तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि इसमें तुम्हें कलर्स बहुत अच्छे पॉप होंगे, क्योंकि नॉर्मली जो भी अपने महंगे फ़ोन्स होते हैं, आईफोन्स हो गए, आपके सैमसंग के अच्छे टॉप नॉच क्वालिटी के फ़ोन्स होते हैं, ये इनके प्रोसेसर इस तरीके से बने होते हैं कि आपकी वीडियो क्वालिटीज़ और फोटो में जो आपके कलर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से पॉप करते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा वीडियो की क्वालिटी और शार्पनेस भी एक एक्शन कैमरा से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इन फोन्स में ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। इस वक्त ये मेरा वाइडेस्ट एंगल पॉसिबल है फ़ोन से। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फ़ोन है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो निकाल के दे सकता है, तो इस केस में तुम एक एक्शन कैमरा लेने के पैसे भी अपने सेव कर सकते हो। प्लस एडिटिंग करना भी बहुत ईजी हो जाता है अगर तुम डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, और स्टेबिलिटी तो आजकल के आईफोन में बहुत इंप्रूव हो ही चुकी है। तो अब बात करते हैं अपने एक्शन कैमरा की, और पहला ही डिफरेंस जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो दिखेगा कि कितना ज़्यादा एरिया मेरे एक एक्शन कैमरे के फुटेज में कवर होता है, जो कि मेरे फ़ोन के वाइडेस्ट एंगल में भी कवर नहीं हो पा रहा था। और वैसे इस टाइम मैं अपने सिंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ Insta360 के, और ये इसका वाइडेस्ट एंगल पॉसिबल है, बट अगर मैं अपनी 360 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं इससे भी बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लेता हूँ उस केस में। इसके बाद जो एक और फ़ायदा हमें एक्शन कैमरा के साथ मिलता है वो रहता है यहाँ पे आपका नॉइस कैंसिलेशन, जो आपकी विंड की नॉइस होती है बहुत ज़्यादा हद तक आपका एक्शन कैमरा उसे रिड्यूस कर लेता है अगर वो अच्छी क्वालिटी का है। तो तुम वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो कि फोन के केस में कितनी ज़्यादा विंड की आवाज़ आ रही थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो एक्शन कैमरा के साथ मिलता है वो ये होता है कि आपके छोटे कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं, लाइटर वेट होते हैं, जो अगर आप एक आईफोन को लगा के अपने चिन पे चल रहे हो तो आपको हमेशा डर रहेगा, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं और थोड़ी सी स्पीड तेज करने से वो आपके गिर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस केस। तो अब जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करें फटाफट से उनको समराइज कर लें। तो ये था वो डिफरेंस जो तुम्हें एक एक्शन कैमरा और एक आईफोन से रिकॉर्ड करने में मिलता है, एंड आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि तुम्हें एक एक्शन कैमरा के लिए जाने चाहिए या फिर तुम अपने आईफोन से रिकॉर्ड करना कंटिन्यू कर सकते हो। एंड इनके अलावा अगर कोई भी पॉइंट तुम्हारे दिमाग में है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ लो, और मेरी पुरानी आईफोन की वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही होगी तो उसको चेक कर लेना।